हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज हेल्दी लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को होम मेड हल्दी बेसन सोप बनाना सिखाऊंगी और साथ ही इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें घर पे क्यों सोप बनाना चाहिए और मार्केट के ये सारे सोप जो हम बहुत ही सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और जो सोप मैं आपको बनाना बताऊंगी इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इतने सालों से हम ये जो सोप्स यूज़ करते आ रहे हैं, आइए जानते हैं कि इनमें कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, PEGN, टेट्रासोडियम EDTA, BHT और साथ ही और भी कई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो लिस्ट में मैं नहीं डाल पाई हूँ। और इसके अलावा इसमें कॉस्मेटिक कलर्स, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं कि संतूर में कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी परफ्यूम है, टेट्रासोडियम EDTA है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो रेक्सोना में भी आर्टिफिशियल कलर है, परफ्यूम है, टेट्रासोडियम EDTA है और भी केमिकल्स हैं जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से। तो ये भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और डिटॉल, जिसका इतना ज़्यादा कैंपेन चलता है, इसमें भी सेम परफ्यूम, कलर्स, टेट्रासोडियम EDTA, इसके अलावा और भी केमिकल्स इसमें मौजूद हैं। सिंथॉल की बात करें तो सिंथॉल में भी लेमन जैसा कुछ भी नहीं है गाइज, इसमें भी सारे आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और टेट्रासोडियम EDTA, ये सब है। डव, जिसका इतना ज़्यादा ऐड आता है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये है, वो है, इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन इसमें भी हार्मफुल केमिकल्स, परफ्यूम है, सोडियम टेट्राक्लोराइड है। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और पियर्स की बात करें तो पियर्स में भी गाइज हार्मफुल केमिकल्स हैं, कलर है, परफ्यूम है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर डालती हैं। लाइफ बॉय जो इतने सालों से बिकता आ रहा है और हम लोग शायद अपने बचपन से इसे यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अगर हम ये वाले सोप यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेंगे। जल्दी तो नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद स्किन इरिटेशन, स्किन ड्राई होना, स्किन में ईचीनेस होना, खुजली होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वहाँ ये फ्री रेडिकल्स की तरह स्टोर हो जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल्स लेकिन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनका कुछ खास फ़र्क हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता है, तो उनकी भी यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है। तो अब आप अपना सोप जब भी चूज़ करेंगे तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करने का रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है शायद कि ये चीप होते हैं और अगर वो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए महंगा पड़ेगा। तो चलिए अब बनाते हैं हल्दी बेसन सोप। ये नेचुरल है, होममेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हमें चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये मैंने एक छोटी स्प्रे बॉटल में भर लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन, ये भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हाइड्रेट करती है स्किन को। और ये मैंने एसेंशियल ऑयल लिया है फॉलिंग लेमन लीफ का। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें इसका, चाहे तो ना करें। ये वैसलीन, अगर आप सिलिकन मोल्ड नहीं यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे घर की चीज़ में बनाते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ग्रीसिंग करने के लिए। और हल्दी, ओट्स, बेसन, नींबू का रस और ये मैंने लिया है सोप बेस। तो जो लिस्ट मैंने आपको दी है उसके अकॉर्डिंग आप सोप बेस भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोप बेस में भी केमिकल्स मिले रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप चूज़ करें। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है आसानी से।
तो अब ये इसको मैं काट ले रही हूँ पीस छोटे छोटे पीसेस में, और ये बहुत ही आराम से कट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसको काट रही हूँ। और बड़े वाले पोर्शन से मैंने बस आधा लिया है, तो टोटल सोप बेस लगभग मैंने 200 ग्राम लिया है। और अब इसको एक कांच के बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, या किसी भी बोल में आप ले सकते हैं। इसको अब हमें गरम करना है, तो गरम करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करेंगे। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पहले आप एक बर्तन में पानी गरम कर लें और उसमें इसको इस तरह से रख दें, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमें पिघलाना है, जस्ट पिघलाना है, हमें इसको पकाना या खौलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये पिघलना स्टार्ट हो गया है। इसे माइक्रोवेव में भी आपको मेल्ट करके दिखा दे रही हूँ, लगभग 50 सेकेंड में ये मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सोप बेस मेल्ट हो गया है, और अब जल्दी से हमें सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बेसन, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। ओट्स ये भी 1 चम्मच है। हल्दी ये भी 1 चम्मच है। और नींबू का रस ये भी 1 चम्मच है। और इसके बाद मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन इसमें डाल रही हूँ। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल कोई भी इसमें वो गुलथी नहीं होनी चाहिए। और आप चाहें तो इस तरह मिक्सर आता है, इससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से हमारा बैटर मिक्स हो गया है सोप का। और लास्ट में अब हम इसमें अपना एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है और ये 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, तो आप इसका चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। स्मेल इससे बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं इसको अपने सिलिकन सोप मोल्ड में डाल दे रही हूँ। और अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो आप जो देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे जो बुलबुले हैं वो सब इससे मिट जाते हैं। तो अब हमें इसको सूखने के लिए रखना, आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं। और ये मैंने 2 घंटे के लिए लगभग फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारा कितना अच्छा होम मेड हल्दी बेसन सोप बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। और चलिए मैं आपको इसे डेमो करके भी दिखा देती हूँ यूज़ करके। ये देखिए कितना अच्छा झाग इससे आ रहा है गाइस, ये स्किन के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिएगा, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्किन मेरी इतनी स्मूथ लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।